बींग अ वुमन इज टफ समटाइम्स। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कुछ ऐसे चैलेंजेस मिलते हैं जो काफ़ी ओवरवेलमिंग हो सकते हैं। हम कई भूमिकाएं निभाते हैं, जैसे कि पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल, और इन्हीं के साथ हमारी एक्सपेक्टेशंस भी काफ़ी अधिक हो जाती हैं। प्लस गेटिंग योरसेल्फ इनटू द रेस ऑफ बीइंग इंडिपेंडेंट टू प्रूव समथिंग टू समवन और इवन टू योरसेल्फ इज़ लाइक अ चेरी ऑन टॉप। This constant need to prove our worth and capabilities can be exhausting. काम, जिंदगी और ऑफिस के बीच बैलेंस करना ज़रा मुश्किल हो जाता है कभी कभी, खासकर जब आप अपने ल्यूटल फेज के दौरान हो, when hormones can make everything feel more intense. इस समय our body and minds are in flux, and it can be hard to keep everything in balance. We may feel more emotional, more tired and more stressed. इसी वक्त के दौरान आपका सेल्फ केयर इम्पॉर्टेंट ही नहीं बल्कि एसेंशियल हो जाता है। काफ़ी बार इस दौड़ में भागते हुए हमारी जो फेमिनिन साइड है वो कहीं पीछे छूट जाती है। We get so caught up in trying to keep up with everything and everyone that we lose touch with who we are at our core. The soft, nurturing and creative aspect of ourself often take a back seat to the hustle and bustle of daily life. अपनी femininity से reconnect होने के लिए ये काफ़ी ज़रूरी है कि आप कुछ छोटे बड़े moments ढूंढते रहें। मेरे लिए खाना बनाना एक तरह की therapy है, ये मुझे अपनी femininity से जुड़े रखता है। There is something magical about creating something with your own hands. स्पेशली अगर कुछ मोमो जैसा कंफर्टिंग हो तो। आटा गूंदने से लेकर मसालों का नाप और मोमो को शेप देने का रास्ता काफ़ी मेडिटेटिव और कामिंग लगता है मुझे। इन अ वर्ल्ड दैट ऑफन डिमांड्स सो मच फ्रॉम अस, कुकिंग रिमाइंड्स मी टू नरिश नॉट जस्ट माई बॉडी बट ऑल्सो माई सोल। कुकिंग मुझे ये याद दिलाता है कि ज़िंदगी के शोरगुल में कभी कभी रुकना और छोटी छोटी खुशियों का आनंद उठाना, प्यार से कुछ बनाने की खुशी को महसूस करना कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो हियर इज़ माई वे ऑफ अपलिफ्टिंग माई मूड बाय मेकिंग क्विक मोमो। काफ़ी सिंपल रेसिपी है, बट समटाइम्स द सिंपलेस्ट थिंग्स ब्रिंग द मोस्ट जॉय।